खबर शिवपुरी से है, जहां की बर्थडे पार्टी में बार बाला के साथ डांस कर रहे एक युवक ने अचानक फायरिंग कर दी, जिससे गोली सीधे 12 साल के बच्चे की आंख में जा लगी। घायल बच्चे को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। मामला करैरा थाना क्षेत्र के दबरा गांव का है, जहां भगवत लोधी नाम के शख्स के नाती का जन्मदिन मनाया जा रहा था। कार्यक्रम में बार बालाओं को भी बुलाया गया था। वही कार्यक्रम में मछावली गांव के रिश्तेदार लोकेंद्र लोधी और नरेंद्र लोधी भी शामिल होने आए थे। दिन के उत्सव में नाच गाना चल रहा था, इसी दौरान बार बालाओं के साथ लोकेंद्र और नरेंद्र डांस कर रहे थे। वही डांस करने के दौरान लोकेंद्र लोधी ने गोली चला दी। कट्टे से चली गोली 12 साल के बच्चे उमा शंकर परिहार की आंख में जा लगी। पिता माया शिव ने बताया कि बच्चे को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया है। करैरा थाना प्रभारी सतीश चौहान ने बताया कि लोकेंद्र और नरेंद्र लोधी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।